चैप्टर टू इनवर्स टिग्नोमैट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम फार्मूलेस पढ़ लेते हैं तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला आता है अगर आपके पास हो साइन इनवर्स वन बाय एक्स इसको आप कोसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो ठीक है सेकेंड हो अगर आपके पास कॉस इनवर्स वन बाय एक्स इसको आप सेक इनवर्ट्स एक्स भी लिख सकते हो ठीक है थर्ड अगर आपके पास हो टैन इनवर्ट्स वन बाई एक्स तो आप इसको कॉट इनवर्ट्स एक्स भी लिख सकते हो ठीक है ये तीन फॉर्मूले ले हो गए इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ अगर आपके पास हो साइन इनवर्ट्स माइनस एक्स तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स फिफ्थ अगर आपके पास हो कॉस इनवर्ट्स एक्स तो आप इसको ये लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स सिक्स अगर आपके पास हो टैन इनवर्स माइनस एक्स इसको आप लिखोगे माइनस टैन इन एक्स ठीक है इसी तरह सेवनटीन फॉर्मलेस हैं ये सिक्स हो गए नेक्स्ट अगर हो कौ, साइन कॉस टैन नेक, नेक्स्ट ले लो कोसेक या कॉट लेना चाहिए था ना चलो अगले स्टेप में लेंगे अगर कोसेक हो तो इसमें भी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स फिर एट्थ अगर आपके पास हो कॉट कॉट माइनस एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो आपने लिखना है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स ठीक है नाइन्थ अगर आपके पास हो कौन सा रह गया सेक रह गया न सेक माइनस एक्स तो वो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स ठीक है ये हो गया नाइन्थ अब टेंथ ये सारे याद रखने हैं आपने ये सब क्वेश्चन में यूज होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स हो आपके पास आपने इसको लिखना है पा बाय टू ठीक है इलेवेंथ अगर आपके पास हो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इसको आपने लिखना है पाए बाय टू ठीक है फिर आ जाओ ट्वेल्थ अगर आपके पास हो सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इसको भी आप लिखोगे पा बाय टू ठीक है फिर थर्टीन अगर आपके पास हो टैन इनवर्ट्स ए प्लस टैन इनवर्ट्स बी तो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने टैन इनवर्ट्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी ठीक है ये कितने हो गए थर्टीन अब इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे फोर्टीन अगर आपके पास हो टेन इनवर्ट्स ए माइनस टैन इनवर्ट्स बी तो इसका फॉर्मूला याद रखना है टैन इनवर्ट्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी ठीक है ये हो गया फोर्टीन अब है टोटल सेवनटीन तो तीन रह गए फिफ्टीन फिफ्टीन में आपने क्या याद रखना है अगर आपके पास दिया हो साइन इनवर्ट टू एक्स अपॉन वन माइनस की जगह वन प्लस एक्स किया तो इसका फॉर्मूला याद रखना है टू टैन इनवर्ट्स एक्स 16 अगर आपके पास हो tan इनवर्ट्स 2x एक्स अपॉन वन माइनस एक्सकेयर तो इसका भी सेम फॉर्मूला 2 tan इनवर्ट x और 17 लास्ट अगर आपके पास हो cos इनवर्ट्स 1 माइनस एक्स स्यर अपॉन वन प्लस एक्सकेयर तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है 2 tan इनवर्ट x मतलब तीनों के सेम ही होते हैं तो ये हो गया आपके 17 फॉर्मुलेस ये आप याद कर लो और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं टू पॉइंट टू एक्सरसाइज टू पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन प्रूव डैट थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं ये क्वेश्चन ना सी बी एस में टू थाउजेंड एटीन में फोर मार्क्स का आया था ठीक है अब देखो हमें प्रूफ करना कि थ्री साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर होना चाहिए तो मैं ना सिर्फ इसकी ना आर एच एस ले रहा हूं आर एच एस को मैं एल एच एस की प्रूफ करूंगा आर एच एस है साइन इन थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब ठीक है अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना आपने इलेवेंथ क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था ना थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीठा इक्वल टू साइन थ्री थीटा पढ़ा था ना ये तो आप कंपेयर करो थ्री थ्री एक्स साइन थीटा फोर फोर एक्स क्यूब साइन क्यूब थीठा तो क्या दिख रहा है आपको क्लियरली दिख रहा है ना x की जगह साइन थीटा तो हम यहां पे सब यूज करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा अगला स्टेप आपने क्या करना है ये यह साइना इधर ले जाओ ये साइन इधर आएगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x ठीक है अब ये वैल्यूज आप इसमें डालो साइन इनवर्स x की जगह देखो साइन थीटा डाल रहा हूं तो ये बनेगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर एक्स की जगह साइन थीटा तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा एक्स क्यूब है ना तो जब यहाँ पे क्यूब करोगे तो ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा अब अगला स्टेप देखो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल है साइन थ्री थीटा के ठीक है ये और ये कैंसल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ थ्री थीटा और यहां पे थीटा की वैल्यू डाल दो थीटा देखो कितना है साइन इनवर्स एक्स देखो मैंने आर ली थी और थ्री साइन इनवर्स एक्स एल है तो ये हमारा एल आ गई तो ये हमारा प्रूफ हो गया हूफ क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास प्रूव डैट थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स एक्स बिलोंग्स टू वन बाई टू टू वन तो देखो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे आर एच एस लेंगे ये इनवर्ट्स है आर एच एस है हमारे पास कॉस इनवर्ट्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स ठीक है तो मैं यहाँ पर देखो कॉस थ्री थीटा का फॉर्मुला लिख रहा हूँ फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा ठीक है अब आप कंपेयर करो फोर फोर एक्स क्यूब कॉस क्यूब थीटा थ्री थ्री एक्स कॉस थीटा तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना एक्स क्या दिख रहा है कॉस थीटा एक्स आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस को उधर ले जाओ ये कॉस उधर जाएगा तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अब देखो कॉस इनवर्स फिर क्या फोर एक्स क्यूब एक्स की जगह है कॉस थीटा तो ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री एक्स एक्स की जगह कॉस थीटा ये बनेगा कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा देखो आपके सामने है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा किसके बराबर है कॉस थ्री थीटा के कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा पीछे बचेगा थ्री थीटा और यहां पे थीटा की वैल्यू डाल दो थीटा देखो क्या कॉस इनवर्स एक्स तो देखो थ्री कॉस इनवर्स एक्स हमने आर एच एस ली थी और हमें मिल एल एच एस तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया हैंस प्रूफ्ड क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास प्रूव डैट टैन इनवर्स टू बाय इलेवन प्लस टैन इनवर्स सेवन बाय ट्वेंटी फोर इक्वल टू टू इक्वल टू टैन इनवर्स वन बाय टू तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले हम इसकी एल ले लेते हैं वो दिया टैन इनवर्स टू बाय इलेवन प्लस टैन इनवर्स सेवन बाय ट्वेंटी फोर ठीक है अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहेगा इसमें टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्ट्स बी ये होता है टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी ठीक है तो ये है ए और ये है बी टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्ट्स बी तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो टैन इनवर्स ए देखो क्या ए है टू बाई एलेवन प्लस बी बी है सेवन बाय ट्वेंटी फोर अपॉन वन माइनस ए इंटू बी ए है टू बाय इलेवन और बी है सेवन बाय ट्वेंटी फोर ठीक है अब इसको सॉल्व करो इन दोनों का एलसीएम लो ट्वेंटी फोर इंटू इलेवन टू फोर्टी टू फोर्टी टू सिक्सटी फोर टू इंटू फोर्टी एट टू इंटू ट्वेंटी फोर फोर्टी एट इलेवन इंटू सेवन सेवेंटी सेवन अब यहाँ पे भी इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर टू सिक्सटी फोर एल्सीम ले लो यहाँ जाएगा टू सिक्सटी फोर माइनस सेवन टू ज ये और ये कैंसल फोर्टी एट प्लस सेवनटी सेवन ये हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी फोर में से फोर्टीन के टू फिफ्टी तो ये और ये कैंसिल तो ये बचा टैन इनवर्स वन बाई टू तो देखो हमने एल एच एस ली थी और टैन इनवर्स 1 वन बाय टू है आर एच एस तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री प्रूफ क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास प्रूव डैट टू टैन इनवर्ट्स वन बाय टू प्लस टू टैन इन वन बाय सेवन इक्वल टू टैन इन थर्टी वन बाय सेवनटीन तो हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले एल एच एस लेते हैं वो दी दिव्या टू टैन इन वन बाय टू प्लस टू टैन इन वन बाय सेवन अगर देखो यहाँ पर टू नहीं होता तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थ्री किया वैसे सेम इसको करते तो सबसे पहले हमें ये टू हटाना पड़ेगा तो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे ना टू टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स केयर तो पहले ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करो टू टैन इनवर्स एक्स ये है ठीक है तो इसका फॉर्मूला है टैन इनवर्स टू एक्स एक्स की जगह देखो क्या वन बाय टू अपॉन वन माइनस एक्स स्केयर एक्स की जगह वन बाय टू और बाकी सारा सेम लिख दो ठीक है ये सॉल्व करो ये बनेगा टैन इनवर्ट्स वन इसको सॉल्व करो ये देखो ये बनेगा ना वन बाय टू का स्केयर वन बाय टू का स्केयर वन बाय फोर फोर एल्सियम लो फोर में से वन गया थ्री बाय फोर टैन इनवर्ट्स वन बाय सेवन ठीक है अब ये फोर बाय थ्री को ना उल्टा कर लो ये उल्टा होके आ जाएगा थ्री बाय फोर का उल्टा फोर बाय थ्री टेन इनवर्ट्स वन बाय सेवन अब जो ये बन गया क्वेश्चन नंबर थ्री जैसे हमने किया था अब आप यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो टेन इनवर्ट्स ए प्लस टैन इनवर्ट्स बी ये होता है tan इनवर्ट्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो ये बनेगा टैन इनवर्स a ए ए है फोर बाय थ्री प्लस बी वन बाय सेवन अपॉन वन माइनस ए बी ए है फोर बाई थ्री और बी है वन बाय सेवन तो ये आएगा टैन इनवर्स इसका एलसीएम लो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट प्लस थ्री वन जा थ्री ये मैंने एलसीएम ले लिया फिर यहाँ पे भी एलसीएम सेवन थ्रीज आर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन का एल्सियम लोग ट्वेंटी वन माइनस फोर ये और ये कैंसिल तो ये आ गया टेन इनवर्स ट्वेंटी एट प्लस थ्री थर्टी वन ट्वेंटी वन में से फोर गया सेवेंटीन देखो यही आर एच एस है तो ये आ गई हमारी आर एच एस तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फोर का भी प्रूफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले कुछ सब्चुएशन पढ़ लो देखो आपको यह सब्चुएशन याद रखनी है अगर आपके पास हो ए स्केयर प्लस एक्सकेयर ठीक है तो आपने एक्स को या तो ए टेन थीटा लेना है या एक्स को ए कॉर थीटा लेना है ठीक है ए स्केयर प्लस होगा तो आपने क्या लेना एक्स को या तो ए टैन थीटा या तो ए कॉर थीटा दूसरी सब्चुशन अगर आपके पास हो ए स्केयर माइनस एक्स स्क्र तो आपने x को यूज करना है a साइन थीटा या x को a cos थीटा ठीक है थर्ड सब्जिशन अगर आपके पास हो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर तो आपने x को लेना है a कोसेक थीटा या a सेक थीटा ठीक है ये ोगी तीन और लास्ट सब्चुशन आती है अगर आपके पास हो ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स तो वहां पे आपको x को लेना है a cos टू थीटा तो ये चारों सब्चुएशन आप याद रखो ये चारों सब्चुशन आपको इंटीग्रेशन में भी यूज होती है और डिफिटेशन में भी और इस वाले चैप्टर में भी ठीक है इस सब्चुएशन से हम अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट दी फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म अब हमें इनको किस फॉर्म में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्केयर माइनस वन अपॉन एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो अब ये देखो अंडर रूट वाला ये है ना अगर मैं इसको लिख दू वन का स्क्वायर तो ये बन गया वन का स्क्वायर प्लस एक्सकेयर तो देखो ये बन रहा है ए स्केयर प्लस एक्सकेयर तो देखो पहली वाली सब चुशन ए स्केयर प्लस एक्सकेयर तो एक्स को क्या लेना ए टैन थीटा एक्स को लेना ए टैन थीटा लेकिन यहां पे देखो ए की जगह वन है तो एक्स को हम यहां लेंगे सिर्फ टैन थीटा ठीक है एक्स इक्वल टू टैन थीटा यहां से थीटा की वैल्यू निकालो इस टैन को उधर ले जाओ ये टैन उधर जाएगा तो बनेगा टैन इनवर्स एक्स ठीक है अब ये वैल्यू वल्य, वैल्यूज आप इसमें डालते जाओ टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह टैन थीटा तो ये बनेगा टैन स्केयर थीटा माइनस वन अपॉन एक्स की जगह टैन थीटा ठीक है नेक्स्ट वन प्लस टैन स्केर थीटा होता है सेक्स सेक्सकेयर थीटा ठीक है तो ये बनेगा वन प्लस टैन स्केयर थीटा की जगह सेक्स सेक्सकेयर थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे ये और ये काट दो तो ये बनेगा टैन इन सेक थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा अब आप क्या करो सेक थीटा को चेंज करो सेक थीटा होता है वन बाय थीटा और टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो आप इन दोनों को चेंज करो ये बनेगा टैन इनवर्स सेक थीटा की जगह वन बाय थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन थीटा ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या करो इसका एल्सियम लो एलसीम आएगा टैन इनवर्स एल्सियम आएगा कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा और इसको सेम लिख दो ठीक है ये और ये कैंसर ठीक है अब बचा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बचा टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ठीक है अब आप यहां पे वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला डालो देखो मैं यहां लिख रहा हूं वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्केयर थीटा बाय टू और एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा का साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाय टू इन कॉस थीटा बाय टू ये दोनों फॉर्मूले ना आप यहां अप्लाई करो टैन इनवर्स सबसे पहले वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला टू साइन स्केयर थीटा पॉइंट टू फिर उसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू ठीक है ये और ये कैंसल ये और ये कैंसिल तो ये बचा टैन इनवर्स देखो यहां क्या बचेगा यहां बचेगा मैं यहां रफ में लिख रहा हूं साइन थीटा बाय टू यही ना और यहां बचा कॉस थीटा बाय टू ध्यान से देखो यहां बचा साइन थीटा बाय टू और यहां बचा कॉस थीटा बाई टू तो देखो साइन बाय कॉस साइन बाय कॉस होता है टैन तो ये हो जाएगा टैन थीटा बाय टू तो टैन टैन कट जाएगा ये आ जाएगा थीटा बाय टू अब यहां पे थीटा की वैल्यू डाल दो थीटा देखो हमने क्या लिया था थीटा को हमने लिया था टैन इनवर्स एक्स तो आंसर आ जाएगा थीटा की वैल्यू यहां डाल रहा हूं यह हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का यह आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास टैन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन कंडीशन है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन अब मेरी बात ध्यान से सुनो इसको ये देखो क्या है एक्स स्क्र माइनस वन इसको मैं लिख सकता हूँ वन का स्क्यर तो ये कौन सी सब्सिट्यूशन बन रही है एक्स स्क्र माइनस ए स्क्यर ये मैंने आपको थर्ड सब्सिट्यूशन लिखाई थी ना एक्स स्क्र तो वहाँ पे एक्स को क्या लेना होता है या तो ए को थीटा या तो ए सेक थीटा ठीक है तो यहां पे देखो ए की जगह कितना ए है, है वन तो हम एक्स को लेंगे वन ए तो वन हो गया ना तो हम एक्स को लेंगे सिर्फ कोसेक थीटा ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या करो कोसेक को उधर ले जाओ थीटा की वैल्यू ये कोसेक इधर आएगा थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स ठीक है ये रफ था तो इसको साइड पे रहने देना टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूड एक्स की जगह आपको डालना है कोसेक थीटा तो ये बनेगा कोसेक स्केयर थीटा माइनस वन ठीक है अब यहां पे देखो वन प्लस कॉर्ड स्केयर थीटा होता है कोसेक स्केयर थीटा ठीक है इस वन को इधर ले आओ तो कॉड स्केयर थीटा हो जाएगा कोसेक केयर थीटा माइनस वन तो आप यहां पे यूज करो टैन इनवर्स वन अपॉन कोसेक्स केयर थीटा माइनस वन की जगह कोर्ट स्केर थीटा ये और ये कट जाएगा तो बचा क्या टैन इनवर्ट्स वन अपॉन कॉर्ड थीटा ठीक है अब वन बाय कोड थीटा जो होता है वो होता है टैन थीटा वन बाय कोट थीटा क्या होता है टैन थीटा तो ये बनेगा टैन इनवर्ट्स वन बाय कोट हो गया टैन टैन थीटा टैन इनवर्ट्स और टैन कैंसिल हो जाएंगे पीछे रह जाएगा थीटा और यहां पे थीटा की वैल्यू डाल दो थीटा देखो क्या इनवर्ट एक्स तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कंप्लीट हो गया मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देख रहा था पीछे इस क्वेश्चन का आंसर ना इन्होंने कुछ और लिखा हुआ है अगर आप यहां तक भी छोड़ोगे तो भी ठीक है अगर आपको आंसर मैच करना है मैं वो भी कर देता हूँ देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स को हम पाए बाय टू भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो इस सेक को उधर ले जाओ तो ये बनेगा पाए बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स तो कोसेक इनवर्स एक्स की जगह आप डाल दो पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स तो ये आ गया सेम आंसर अगर यहां तक भी छोड़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी लिखोगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास टैन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स और x दिया हुआ है जीरो और पाई के बीच में ठीक है तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले वन माइनस कॉस एक्स है ना तो वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहां लिखते हैं वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइंस केयर एक्स बाय टू क्या होता है और वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस केयर एक्स बाय टू तो ये दोनों फॉर्मूले आप इसमें डाल दो tan inverse under root 1 वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला टू साइन स्केयर एक्स बाय टू और वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला टू कॉस square एक्स बाय टू ये टू और ये टू कैंसिल अब देखो ये साइन अपॉन कॉस है तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टैन x ठीक है तो ये हो जाए और यहां पे स्केयर भी है तो ये बन जाएगा टैन स्केयर एक्स बाय टू ठीक है ये और ये कैंसिल तो ये बनेगा टैन इनवर्स टैन एक्स बाय टू तो टैन इनवर्स और टैन कैंसिल आ जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स बाय टू तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स दिया हुआ है जीरो और पाई के बीच में ठीक है देखो इसमें ना मैं क्या करूंगा मैं आपको बताता हूँ पहले तो ये सेम उतारते हैं ये सेम ही लिख रहा हूं मैं अभी ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना टैन इनवर्स ए माइनस बी ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वन प्लस ए बी इक्वल टू टैन इनवर्ट्स ए माइनस टेन इनवर्ट्स बी ठीक है अब देखो इसको ना इस वाले को ना मैं इस फॉर्म में बनाना मतलब इसको ना इस फॉर्म में बनाना चाहता हूँ दोबारा सुनो इसको इस फॉर्म में बनाना चाहता हूँ अब यहां पे है वन तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा वन तो वन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा इन दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड करूंगा देखो कैसे डिवाइड इसको आप न्यूमिनेटर समझ लो इसको डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स तो ये देखो क्या बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को डिवाइड करो कॉस एक्स से और इसको भी डिवाइड करो कॉस एक्स से ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा हम इसको अलग अलग करेंगे ये ऐसा बनेगा ना कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो ये वन हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स ठीक है और यहां पे भी कॉस 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 कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस हो गया टेन एक्स ठीक है ये देखो मैंने इस फॉर्म इसको इस फॉर्म में बना दिया मैं आपको लिख के बताता हूँ टेन इनवर्ट्स वन को ए पढ़ो टैन एक्स को बी पढ़ो ठीक है अपॉन वन प्लस ए बी वन प्लस ए बी तो मैं यहाँ देखो टेन एक्स को लिख रहा हूँ वन इंटू टेन एक्स तो देखो यह बन गया टेन इनवर्ट्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी तो ये किसके इक्वल है टैन इनवर्ट्स ए माइनस टैन इनवर्ट्स बी टैन इनवर्ट्स ए ए देखो कितना वन और बी टैन इनवर्ट्स बी ये ए है ये ए और ये बी बी है टैन एक्स ठीक है अब देखो यहाँ पे टैन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है वन फोर्टी फाइव मतलब पाई बाय फोर अब आप टैन को उधर ले जाओ तो पाए बाय फोर कितना हो जाएगा टैन इनवर्ट्स वन तो टैन इनवर्ट्स वन की वैल्यू पाए बाय फोर और ये टैन टैन कट जाएगा आ गया एक्स तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारे पास टैन इनवर्ट्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्केर माइनस एक्सकेयर और कंडीशन है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो ए से छोटा ठीक है तो मैंने आपको सेकेंड वाली सब्जुशन बताई थी ना सेकेंड वाली सब्जुशन एक बार देख लो ए स्केयर माइनस एक्सकेयर हो तो एक्स को क्या आपको लेना है या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा तो आप इसमें कोई भी ले सकते हो तो देखो क्या करेंगे एक्स को मैं ले रहा हूं यहां पे ए साइन थीटा ठीक है तो आपने क्या करना है सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं ए को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा अब साइन को उधर ले जाओ तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x एक्स बाय ए ठीक है अब ये वैल्यू आप इसमें डालो टैन इनवर्स x की जगह a साइन थीटा अपॉन अंडर रूड ए स्केयर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा डालना है तो एक्स की जगह ए साइन थीटा डालोगे तो क्या बनेगा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा ये देखो मैंने क्या किया एक्स ये दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे एक्स ए साइन थीटा था ना तो मैंने ना यहाँ पे एक्स स्केयर का इसका स्केयर किया इसका स्केयर करोगे तो यह बनेगा ए स्केयर साइंस केयर थीटा ठीक है अब अगला स्टेप देखो क्या करो इन दोनों में से ना ए स्केयर कॉमन निकालो तो यहां बचेगा वन माइनस साइंस केयर थीटा ठीक है अब आपको ये तो पता ही है साइंस केयर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा क्या होता है वन तो साइन को उधर ले जाओगे कॉस केयर थीटा हो जाएगा वन माइनस साइंस केयर थीटा तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्केयर वन माइनस साइंस के थीटा की जगह कॉस थीटा ठीक है अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे टैन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन देखो इन ए स्केयर जब रूट से बाहर निकलेगा मतलब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं देखो इन दोनों को ना अगर आप रूट से अलग अलग करो ये ऐसे बनेगा ना रूट ए स्केयर इन रूट कॉस केयर थीटा मैंने दोनों को ना अलग अलग रूट दे दिया तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा ए कॉस थीटा <coughs> ये ए और ये ए कैंसिल <coughs> अब देखो यहाँ पे है साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स ठीक है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा टेन टेन कैंसल पीछे बचेगा थीटा और थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल लिया साइन इन वर्ट्स एक्स ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्वेश्चन नंबर टेंथ है हमारे पास टैन इन थ्री ए स्केर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक स्केयर और ए दिया है जीरो से बड़ा और ए दिया हुआ है माइनस ए बाई रूट थ्री और ए बाय थ्री के बीच में देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी नहीं करना आपने tan थ्री थीटा का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना क्या होता है थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्केयर थीटा तो आप कंपेयर करो x की जगह tan थीटा x क्यूब tan क्यूब थीटा यहां पे x स्केर यहां tan स्केयर थीटा तो हम x को क्या लेंगे a tan थीटा a <coughs> को इधर ले आओ तो x बाय ए हो जाएगा tan थीटा अब tan को उधर ले जाओ तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x बाय ए ठीक है अब ये बनेगा टेन इनवर्ट्स देखो थ्री ए स्केयर है ना यहाँ पे मैं एक्स की जगह ए टैन थीटा डाल रहा हूं तो थ्री ए स्केयर इंटू ए ये बन जाएगा ए क्यूब टैन थ्री टैन थीटा अब यहाँ पे एक्स क्यूब एक एक्स है ए टैन थीटा इसका क्यूब करोगे तो ये बनेगा ए क्यूब टैन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए अब यहां देखो ये यह है थ्री ए एक्स की जगह ए टैन थीटा तो ये बनेगा ए स्केयर टैन केयर थीटा ही बनेगा ना तो ये बनेगा थ्री ए क्यूब टैन स्केयर थीटा अब अगला स्टेप क्या करो ऊपर देखो क्या कॉमन है यहां भी ए क्यूब कॉमन और यहां भी ए क्यूब कॉमन तो ए क्यूब यहां से भी कॉमन और यहां नीचे से भी कॉमन तो ये बच जाएगा थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ बचेगा वन माइनस थ्री टैंस के थीटा तो मैंने ऊपर से भी ए क्यूब कॉमन निकाल दिया नीचे से भी ये और ये कैंसिल अब देखो थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैंस के थीटा किसके इक्वल है टैन थ्री थीटा के टैन थ्री थीटा के ठीक है तो टैन और टेन कट जाएगा पीछे बचेगा थ्री थीटा और यहां पे थीटा की वैल्यू डाल दो थीटा आपके सामने है टेन इनवर्स एक्स बाय तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारे पास टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाय टू तो देखो कैसे करेंगे टैन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स अब देखो यहां पे है वन बाय टू तो साइन वन बाय टू कब होता है साइन वन बाय टू होता है साइन थर्टी पे थर्टी मतलब पाए बाय सिक्स तो वन बाय टू की जगह मैं लिख रहा हूं साइन पाए बाय सिक्स ठीक है टैन इनवर्ट्स टू कॉस टू ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा पा बाय सिक्स तो ये और ये कैंसिल तो ये बच गया टेन इनवर्स टू कॉस पा बाय थ्री ठीक है अब देखो कॉस सिक्सटी डिग्री कॉस्ट सिक्सटी की ये पा बाय थ्री होता है सिक्सटी कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाय टू तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 इंटू वन बाई टू तो ये आ गया tan इनवर्स 1 ठीक है अब देखो tan 45 होता है 1 ठीक है tan 45 कितना होता है 1 इस tan को उधर ले जाओ पाए बाय फोर इक्वल टू ये tan इधर आएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाए बाय फोर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन भी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है हमारे पास कॉट टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले करवाए थे ना टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाय टू के इक्वल ठीक है तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्ट्स ए भी क्या हो जाएगा पाए बाय टू काट पाए बाय टू काट पाए बाय टू मतलब cot 90 पाई होता है ना 180 180 को 2 से डिवाइड करो तो cot 90 और cot 90 की वैल्यू होती है ज़ीरो तो इसका आंसर आ गया जीरो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी कंप्लीट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे देखो थर्टीन क्या दिया हुआ टैन वन बाई टू साइन इनवर्स वर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस अपॉन वन प्लस वाई स्केयर कंडीशन दी है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन वाई इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स वाई इज लेस देन वन देखो कैसे करेंगे मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया था ना साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्सकेयर ये होता है टू टैन इनवर्स x और उसके बाद ये भी बताया कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्केयर अपॉन वन प्लस वाई स्केयर होता है टू टैन इनवर्स y ठीक है तो आप ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा टैन वन बाई टू देखो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्सकेयर का फॉर्मूला टू टैन इनवर्स एक्स क्या आएगा टू टैन इनवर्स एक्स और उसके बाद कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्केयर अपॉन वन प्लस वाई स्केयर का फॉर्मूला टू टैन इनवर्स वाई ठीक है अगला स्टेप क्या करो टैन इन दोनों में टू कॉमन यहां बचेगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्ट्स वाई ये और ये कैंसिल टैन अब देखो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्ट्स बी का फॉर्मूला टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करो ये देखो क्या बन रहा है टैन इनवर्स ए प्लस टैन b बी तो इसका फॉर्मूला है टैन इनवर्स ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर आ गया ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है हमारे पास साइन साइन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वन देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं साइन साइन इन वर्ड वन बाय फाइव हमें एक्स निकालना है ठीक है अब ये जो आपको वन दिख रहा है ना इस वन की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूं साइन नाइनटी जो होता है ना वो वन होता है तो नाइनटी को हम पा बाय टू भी लिख सकते हैं ठीक है तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन पा बायू ये और ये काट दो ठीक है साइन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ बचा पाए बाय टू ठीक है अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पा बाय टू ठीक है तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स वन बाय फाइव कॉस इनवर्स एक्स पाए बाय टू की जगह ना मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ठीक है ये और ये कैंसिल तो क्या बचा यहां बचा साइन इनवर्स वन बाय फाइव इक्वल टू साइन इन एक्स ये और ये भी कैंसल तो एक्स आ गया वन बाय फाइव ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन भी कंप्लीट अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे फिफ्टीन दिया टेन इनवर्ट्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक सेकंड रुकना ये क्वेश्चन ना 2017 में आया था सीबीएसई 2017 में फोर मार्क्स का आया था ठीक है अब क्वेश्चन पढ़ो टैन इनवर्ट्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टैन इन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू देन फाइंड दैल्यू ऑफ x. तो देखो क्या करेंगे आप इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो तो देखो क्या बन रहा है टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्ट्स बी तो मैं यह फॉर्मूला लिख रहा हूँ tan इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्ट्स बी का फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी ठीक है तो आप ये यह फॉर्मूला यहां लगा दो देखो सबसे पहले ए प्लस बी ए है हमारा ये ये आ गया ए ये माइनस है फिर प्लस बी बी हमारा ये आ गया अपॉन वन माइनस ए बी ए देखो ये रहा और बी ये रहा ये मैंने फॉर्मूला डाल दिया हमें निकालना है एक्स ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो ये टैन इधर ले आओ ये टैन जब इधर आएगा तो यहां बनेगा टेन पाए बाय फोर ठीक है अब आप ये बचा हमारे पास इसका एल्सियम लो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ये इधर ये इधर x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस ये इधर x, +1, x -2। प्लस वन एक्स माइनस टू अपॉन अब इसका भी एल्सियम ये बनेगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और ये दोनों इधर आ जाएंगे x माइनस टू एक्स प्लस टू देखो मैंने एलसीम ले लिया कुछ भी नहीं मैंने किया ऐसा और ये दोनों बचे यहां पे ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे ये और ये कैंसिल कर दो इनको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क् प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू प्लस अब इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू ठीक है अपॉन नीचे देखो क्या बन रहा है यहाँ पे बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्क्र तो ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस टू स्क्र फिर यहां पे भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ये बनेगा एक्स स्क्र माइनस वन स्क्र इक्वल टू ये देखो ये है टैन 45 फाइव टैन फोर्टी की वैल्यू होती है वन टैन पा बाय फोर होता है 45 तो टैन 45 की वैल्यू वन अब देखो ये 2x ये 2x कैंसिल ये x ये x कैंसिल तो देखो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर अपॉन यहाँ बचा एक्स एक्सकेयर टू का स्केयर फोर माइनस एक्स एक्सकेयर और ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे वन का स्केयर आना था वन का स्केयर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा वन ये और ये यह कैंसल यहाँ बचा माइनस थ्री इस माइनस थ्री को उधर ले जाओ ये बचेगा इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है अगला स्टेप क्या करो इस फोर को उधर ले जाओ माइनस थ्री प्लस फोर कितना हो गया वन तो टू एक्स केयर इक्वल टू वन एक्स स्यर इक्वल टू वन बाय टू तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू तो वन का रूट वन और टू का रूट टू ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है हमारे पास साइन इनवर्स साइन टू पाए बाय थ्री अब कुछ ना समझदार बच्चे पता क्या करेंगे जल्दी जल्दी साइन काट देंगे और लिख देंगे टू पाए बाय थ्री चलो भाई हो गया लेकिन हमें ऐसा नहीं करना क्यों देखो साइन इनवर्स की रेंज साइन इनवर्स की रेंज मैंने क्या बताई थी माइनस पाए बाय टू टू पाए बाय टू मतलब माइनस नाइन्टी से लेकर नाइन्टी तक ठीक है अब यहाँ पे है टू पाई बाय थ्री पाई होता है वन एटी ये काटोगे सिक्सटी इंटू टू वन ट्वेंटी तो क्या माइनस नाइन्टी और नाइन्टी के बीच में वन ट्वेंटी आएगा कभी नहीं आएगा क्योंकि वन ट्वेंटी तो नाइन्टी के आगे आता है ना वन ट्वेंटी तो इधर आएगा तो इसलिए हम इसको काट नहीं सकते हमें कोई जो भी नंबर होगा वो इसके बीच में रखना होगा देखो कैसे करेंगे इसको ना मैं 120 लिख देता हूँ ठीक है इसको आप लिखो साइन इनवर्स साइन 120 को लिख रहा हूं मैं 180 एट्टी माइनस सिक्सटी वन में से 60 माइनस करो तो 120 आता है ठीक है अच्छा अब साइन 180 एटी माइनस सिक्सटी मतलब साइन 180 माइनस थीटा हो गया सेकेंड क्वारंट में साइन सेकंड क्वारंट में पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वार के लिए साइन 60 ठीक है अब देखो माइनस और 90 और 90 के बीच में सिक्सटी आता है ना तो हम यहां लिखेंगे ये ये हो 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 गया गया 60, गया और 60 को आप लिख सकते पाई पाई अपॉन अपॉन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कंप्लीट सिक्सटी को पाई बाय थ्री भी लिख सकते हैं ठीक है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में भी कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना समझदार बच्चे क्या करेंगे टैन इनवर्स और टैन कैंसिल कर देंगे तो सबसे पहले आप क्या करो इसकी रेंज देखो क्या इसकी रेंज होती है ओपन ब्रैकेट में माइनस पाव बाय टू टू पाइ बाय टू ठीक है तो ये है माइनस नाइन्टी इसमें बस इस इसमें इन दोनों में फर्क क्या होता है ये नंबर इंक्लूड होता है ये नंबर ये दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं ये नंबर इंक्लूड नहीं होते ठीक है ठेक्या? ये माइनस नाइन्टी ये भी नाइन्टी अब आप देखो थ्री पाई बाय फोर कितना होता है पाई होता है वन एट्टी अपॉन फोर ये कटेगा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव इंटू थ्री वन थर्टी फाइव तो वन थर्टी फाइव इधर आता है इनके बीच में थोड़ा आता है तो देखो कैसे करेंगे इसको आप लिख दो वन थर्टी फाइव फिर इसको भी वैसे तोड़ो वन एटी माइनस फोर्टी फाइव तो टैन ये बन गया टैन सेकेंड क्वार में टैन सेकेंड क्वार में माइनस होता है नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस टेन फोर्टी फाइव अब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे ये देखो मैंने माइनस को अंदर ले लिया अब देखो इनके बीच में माइनस फोर्टी फाइव आएगा ना अब हम काट सकते हैं और यहाँ पे फोर्टी फाइव की वैल्यू डाल दो फोर्टी फाइव को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन फोर पाई होता है ना वन एट्टी वन एट्टी को फोर से डिवाइड करोगे तो आएगा पाई बाई फोर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास tan साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री बाय टू ध्यान से समझना काफ़ी इजी क्वेश्चन है देखो इसको मैं लूँगा ए और इसको लूँगा बी देखो कैसे ए इज इक्वल टू साइन इनवर्ट्स थ्री बाय फाइव तो ये बनेगा साइन ए इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव अब आप एक ट्राइंगल बनाओ इसको ए रखो अब देखो ये थ्री बाय फाइव है ना साइन होता है पपेंडिकुलर अपॉन हाई पोटीन्यूस साइन क्या होता है पपेंडिकुलर अपॉन हाई तो देखो पपेंडिकुलर कितना है थ्री और हाई कितना है फाइव तो आप पी लगा के बेस निकाल सकते हो ना तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे निकालेंगे फाइव का स्केयर हाई का स्केयर इक्वल टू पपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर तो ये देखो कितना बनेगा ट्वेंटी फाइव फाइव में से नाइन सिक्सटीन तो बेस कितनी हो जाएगी रूट सिक्सटीन हो गया फोर तो यहां लिख दो फोर ठीक है अब इसको बी ले लो आपने ले लिया इसको बी कॉट को उधर ले जाओ ये बनेगा कॉट बी इक्वल टू थ्री बाई टू ठीक है, होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस है थ्री और पपेंडिकुलर है बेस थ्री सॉरी पपेंडिकुलर टू अब पी लगाओ और हाई निकालो क्या होता है हाई का फॉर्मूला हाई पोर्टिन्यूस इक्वल टू बेस स्केयर बेस है थ्री स्केयर प्लस पपेंडिकुलर का स्केयर तो ये हो जाएगा यह स्केयर उधर चला जाएगा नाइन प्लस फोर थर्टीन ठीक है अब देखो हमने लिया था इन दोनों को ए और इसको बी तो ये बना टेन ए प्लस बी ठीक है अब टैन ए प्लस बी क्या होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी ये होता है ना ठीक है अब क्या करो टैन ए की वैल्यू निकालो देखो टैन होता है टैन होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस यही होता है ना तो आपको ए वाली ट्राइंगल में देखना है ए क्योंकि यहाँ पे ए है ना तो ए कित कितना है थ्री और बेस है फोर ठीक है अब आ जाओ टैन बी टैन होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस तो आपको बी वाली ट्राइंगल में देखना है पर्पेंडिकुलर टू और बेस थ्री ठीक है फिर नीचे भी ऐसी ए टैन ए की वैल्यू थ्री बाई फोर और इसकी वैल्यू टू बाई थ्री बस आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा फोर थ्री जॉ ट्वेल्व थ्री थ्री जॉ नाइन नाइन प्लस एट फिर ऐसे यहाँ भी नीचे भी एल्सियम फोर थ्री जर ट्वेल्व ट्वेल्व इधर थ्री टू जार सिक्स तो ये बन गया सेवनटीन अपॉन सिक्स ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर एटीन का आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है ये नाइनटीन है कॉस इनवर्स cos कॉस सेवन पा बाय सिक्स अब देखो इसकी रेंज होती है जीरो से वन एटी के बीच में पाई होता है वन एटी ठीक है ज़ीरो टू वन एटी अब सेवन पाए बाय सिक्स देखो कितना होता है सेवन पा बाय सिक्स पाई होता है वन एटी सिक्स इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा कितना सेवन पाए बाय सिक्स है ना? थर्टी तो ये हो जाएगा टू वन ज़ीरो तो क्या ज़ीरो और वन एटी के बीच में टू हंड्रेड टेन आता है वो इधर आता है ये वन एटी है ना तो ये इधर नहीं इनके बीच में नहीं आता तो हम इसको काट नहीं सकते तो देखो इसको हम लिखेंगे टू वन ज़ीरो अब टू वन ज़ीरो को हम लिखेंगे वन एट्टी प्लस थर्टी ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थर्टी अब आपको याद हो आपको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था अगर कॉस में माइनस आ जाए कॉस सेक या कॉट में माइनस आ जाए अच्छा माइनस छोड़ो मेरे पास एक और तरीका है हाँ याद आया मेरे को देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया ना कॉस इनवर्स माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा तो आप इसको थीटा पढ़ो कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा थीटा के है कॉस थर्टी अब आप कॉस और कॉस इनवर्स को काट सकते हो क्योंकि थर्टी जो है वो इसके बीच में आता है तो ये बनेगा थर्टी और थर्टी को आप लिख सकते हो पाई बाय सिक्स एल्शियम लो ये बनेगा सिक्स पाई माइनस पाई ये आ जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स तो इसका ऑप्शन है बी बी को टिक कर लेना ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन भी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दिया है हमारे पास साइन पा बाय थ्री माइनस साइन इन माइनस वन बाय टू देखो कैसे करेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा ठीक है ये देखो साइन इनवर्स माइनस इसको थीटा पढ़ो तो देखो क्या फॉर्मूला इसका माइनस तो माइनस पहले का ना तो ये माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स वन बाय टू ठीक है अब आ जाओ अगला अब देखो साइन थर्टी डिग्री होता है वन बाय टू ठीक है साइन को उधर ले जाओ थर्टी हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाय टू तो ये बन गया पा बाय थ्री साइन इनवर्स वन बाय टू की वैल्यू पा बाय सिक्स ठीक है अब आप इसका एलसीएम लो इसका एल्सियम आएगा सिक्स यहां कितना बनेगा यहां टू पाई और यहां पे पाई ठीक है तो ये बनेगा थ्री पाई अपॉन सिक्स ये थ्री इससे कटेगा तो ये बना साइन पाई बाय टू ये पाई होता है वन एटी वन एटी को टू से डिवाइड करो तो नाइनटी साइन नाइन्टी होता है वन तो देख लो कौन सा ऑप्शन है ये है डी ऑप्शन तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भी कंप्लीट अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इन माइनस रूट थ्री देखो कैसे करेंगे सबसे पहले ना ये माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इन थीटा तो देखो कॉट इनवर्स माइनस ये थीटा क्या फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा थीटा है रूट थ्री ठीक है अच्छा अब टैन रूट थ्री कब होता है टैन रूट थ्री होता है सिक्सटी पे तो ये बनेगा टैन पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री ठीक है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स अब देखो कॉट uh, सिक्स रूट थ्री पर कब होता है कॉट रूट थ्री होता है थर्टी डिग्री पे तो ये बनेगा कॉट पाव बाय सिक्स थर्टी होता है पा बाय सिक्स ये दोनों कैंसिल फिर ये दोनों कैंसिल अब इन तीनों का एल्शियम लो सिक्स एल्शियम टू पाई माइनस सिक्स पाई प्लस पाई तो कितना हो गया थ्री पाई माइनस सिक्स पाई माइनस थ्री पाई बाय सिक्स तो ये आ जाएगा माइनस पाव बाय टू तो ऑप्शन है इसका बी तो ये हो गया हमारा ट्वेंटी फर्स्ट भी कंप्लीट